हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गणपति नमः पे। बच्चों आज हम करेंगे पाठ चार चांद से थोड़ी सी गप्पे का प्रसंग और व्याख्या। बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 पहले सब्सक्राइब कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये वीडियो। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये पद्यांश हमारा गोल है से लेके आपकी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। इसके शब्द अर्थ हैं कुल का है सारा और सिमत है दिशाएं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग वन की चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कवि ने इन पंक्तियों में चांद के तारों जड़ित वस्त्र का वर्णन किया है। व्याख्या, कवि कहता है कि एक 10-11 साल की लड़की चांद को देखकर कहती है कि आप तो गोल हैं, जरा सा तिरछे दिखाई पड़ते हैं, आपने तो सारे आकाश को वस्त्र बनाकर पहन रखा है, आसमान में चमकते तारे आपके कपड़े पर जड़े सितारे हैं, आपका सारा शरीर वस्त्र से ढका हुआ है, आपका गोरा चिट्टा सुंदर गोल मुंह और आपकी पोशाक सभी दिशाओं में फैली हुई है। ये था हमारा फर्स्ट पद्यांश। अब करते हैं सेकंड पद्यांश इस लेसन का। सेकंड है हमारा आप कुछ से लेके आता है तक। शब्द अर्थ है इसके गो की मतलब हालांकि, मर्ज है बीमारी, दम का सांस। प्रसंग स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग वन की चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? श्री शमशेर बहादुर सिंह जी। कवि कहता है कि लड़की चांद का घटना बनना क्या समझती है? कोई बीमारी। इस पद्यांश की व्याख्या है, लड़की चांद को देखकर कहती है कि चांद आप थोड़ा सा तिरछा दिखाई पड़ते हो, वाह आप भी बहुत खूब हैं, आपने तो हमें पूरा बेवकूफ समझ रखा है, जैसा कि हमें कुछ पता ही नहीं, हमें तो लगता है कि आपका घटना बढ़ना एक बीमारी है, क्योंकि जब आप घटते हो तो बिल्कुल पतले हो जाते हो और बढ़ते हो तो गोल मटोल हो जाते हो, लगता है कि आपकी ये बीमारी कभी भी ना ठीक होने वाली है। तो बच्चों ये थे पाठ चार के पद्यांश और प्रसंग और व्याख्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।